साउथ से लेकर बॉलीवुड तक का सफर तय करने वाली एक्ट्रेस श्रुति हसन साउथ इंडस्ट्री की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन चुकी हैं। श्रुति हसन अपनी एक्टिंग के साथ साथ अपने फैशन सेंस को लेकर भी जानी जाती हैं। गाइस, आप श्रुति हसन की प्रोफेशनल लाइफ के बारे में काफी कुछ जानते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको उनकी रियल लाइफ फैमिली के बारे में बताएंगे, जिन्हें शायद आप नहीं जानते। सो प्लीज वीडियो को लाइक करके एंड तक जरूर बने रहे। श्रुति हसन का जन्म 28 जनवरी 1986 को तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ था। इनके पिता का नाम कमल हसन है, जो टॉलीवुड समेत बॉलीवुड के भी बेहतरीन अभिनेता हैं। इनकी माता का नाम सरिता ठाकुर है, वह भी बॉलीवुड की बेहतरीन अदाकारा रह चुकी हैं। इनके पिता तमिल ब्राह्मण है, तो वहीं उनकी माँ महाराष्ट्रियन है। श्रुति की एक छोटी बहन भी है, जिसका नाम अक्षरा हसन है। अक्षरा हसन एक बॉलीवुड अभिनेत्री और असिस्टेंट डायरेक्टर है। श्रुति हसन ने अपनी शुरुआती पढ़ाई लेडी अदनल स्कूल से पूरी की। उसके बाद श्रुति आगे की पढ़ाई करने के लिए मुंबई शिफ्ट हो गईं। श्रुति ने अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत महज 6 वर्ष की उम्र में ही कर दी थी। उन्होंने अपना पहला अल्फा गाना अपने पिता की फिल्म तेवर मगन में गाया था। इस फिल्म के बारी छोटी सी श्रुति की आवाज उनके पिता द्वारा निर्देशित फिल्म चाची 420 में सुनाई गई थी। इसके बाद श्रुति ने सिंगिंग में अपना करियर बनाने की सोची। उसके बाद सिंगिंग की अच्छी शिक्षा लेने के लिए कैलिफोर्निया चली गई। श्रुति हसन का सिंगिंग करियर टॉलीवुड में काफी अच्छा चल रहा था, तभी उन्हें अपने पिता की फिल्म में कैमियो करने का अवसर मिला, जिसके बाद उनके अंदर एक्टिंग की इच्छा जग गई। उनकी पहली बॉलीवुड डेब्यू फिल्म इमरान खान के अपोजिट लक थी। श्रुति हसन ने अपने तमिल करियर की शुरुआत अनाग अनागा ओधीरुदु से की, जो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं चली। लेकिन इसके बाद श्रुति हसन पुल्ली, वेदराम, प्रेमम जैसी एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी, जो बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दी। इन दिनों श्रुति हसन शांतनु हजारिका को डेट कर रही हैं। शांतनु हजारिका एक आर्टिस्ट के तौर पर जाने जाते हैं। श्रुति हसन सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं, जहां ये अपनी लेटेस्ट तस्वीरें शेयर करती रहती हैं, जिस पर फैंस जमकर रिएक्ट करते हैं। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसी और भी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।